शुभोदय बच्चे, आज दसवीं कक्षा में चौथी पाठ कणकण की अनकण का अलंकार। ये रोज मन टेंथ क्लास नीचे फोर्थ लेसन అయినటువంటి कणकण का अलंकार लेसन గురించి చెప్పుకుందాం। कणकण का अलंकार कवि एवरना डॉक्टर रामदारी सिंह दिनकर। कवि యొక్క పేరు डॉक्टर रामदारी सिंह दिनकर। जीवन काल 1908-1974। रचना उर्वशी रेणुका कुरुक्षेत्र रश्मि रवि। पुरस्कार उर्वशी अने रचन की ज्ञानपीठ अवार्ड अच्छा। ओके ना, कवि पेर डॉक्टर रामदारी सिंह दिनकर। ओके ना, देशन लोग कल्पना चौंक सारी इकड़ा पद्य सूप कलाते गांधीजी कपड़ा बुन देते चुनते थे अनाज की कंकर चक्की पीसते थे ऐसा था उनका आश्रम गांधीजी के लिए पूजा के समान का समानता श्रम। इकड़े पद्यम या भाव एंटे सूप कलाते गांधीजी सूप कलाते अंटे नूर वंकतार गांधीजी कपड़ा बुन देते बटल चुनते थे अनाज के कंकर बिह्यों का चक्की पीसते थे तिरकल कदा रेल राी दाँटो पिंटी गोधुम बिह्य पिंड दाने चक्की अंत अभी विसरा इला तिप्त उठा चक्की पीसते थे ये सर उनका आश्रम आये आश्रम इवन चेवार आये श्रम खाली आये गांधी गा आये गौरव खाली का कुर्चो एपड़ू आये खाली गांधीजी के लिए पूजा के समानता श्रम गांधीजी दृष्टि में पूज अंटे श्रम कष्ट पन चेयड़मे अंट पूज ओके ना। इकड़ा क्वेश्चन इच्छे चूड़न इकड़ पिक्चर एम क्वेश्चन अच्छा चूड़ी गांधीजी क्या क्या करते थे गांधीजी एम चेसारंटे मैं पद्यों में चुप्कना कदा सूत कथाते कथाते अंटे नूल वड़के कपड़ा बुंदे थे बटल तैयार चेसेवार बटल नेसेवार चुंदे थे अनाज के कंकर बिह्यों राड चक्की पीसते थे तिरगन पीसो आये चेसे पन गांधीजी के अनुसार पूजने क्या है गांधीजी ओप दृष्टि पूज अंटे चुप्कना कदा सन्न पड़मे आये ओप दृष्टि पूज अंटे गांधीजी के अनुसार श्रम पूजनी है आये ओप दृष्टि कष्ट पनचे पूज अंटे हमारे जीवन में श्रम का क्या महत्व है मन जीवित श्रम या गोपतन अड़े एंतते कष्ट मन चस्ता कष्ट पंचेमो दाने सक्सेस अंत विधा पंदता अने क्वेश्चन का आंसर जीवन में श्रम का महत्व है। उद्देश्य सामाजिक काव्य सृजना की प्रेरणा के साथ साथ छात्रों में समाज कल्याण और उदारता की भावना का विकास करना और उन्हें श्रम का महत्व बात कर उसके पद पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देना इस पाठ का उद्देश्य है। पाठ में का मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट्स की श्रम फलता अंत इंत कष्टे अंत फल उठाने विधास्त कवि मेन स्टूडेंट प्रेरण साक्षा शाखे समाज कल्याण अंत समाजा की उपयोगपे विधा उदारता अंत मंच स्वभाव तो मंच भाव तो उठू श्रम गोपतना मुख्य उद्देश्य हर कविता की अपनी अपनी विशेषता होती है प्रति कवि की दाने गोपतन अलग इसकी विशेषता ओजोगुण का प्रेरणापद भाषा है। इक दीन का उद्देश्य ओजोगुण प्रेरणापद प्रति ओक पदम भाष गोपतना पद्या चूपन इसके कवि डॉक्टर रामदारी सिंह दिनकर है। इसकी प्रसिद्ध रचना
కష్టపడతాడో అతనే ఫస్ట్ దాన్ని అనుభవించేలా చేయమని కవి చెప్తున్నాడు.
ఓకేనా? ఒకసారి చూసుకోండి అమ్మ మనీని. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.